अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। आज हम इंग्लिश बुक टू के लेसन नंबर 4 एंड ऑफ टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके राइटर का नाम है डेविड डेचिस। एंड ऑफ टर्म नाम से ही जाहिर है कि आखिर, सिलसिले का आखिर, जहां पर सिलसिला रुक रहा हो। लेकिन यहां पर जो है वो छोटे छोटे रेस्पाइट्स के बारे में भी राइटर जो है वो जिक्र कर रहा है। एंड ऑफ टर्म उसने क्यों, इस ऐसे का नाम क्यों रखा, उसको राइटर को ख़ुद से ये फील हो रहा था कि एक स्कूल लाइफ जो है वो कितनी हेक्टिक है। तो जो एंड ऑफ टर्म है वो एक रोज़ी फ्लेवर्ड है हर स्टूडेंट के लिए। एक्चुअली ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे कैसे कि राइटर ने जो कुछ अपने स्कूल लाइफ में ख़ुद एक्सपीरियंस किया उसको एज इट इज़ वहाँ पर लिख दिया, यानी कि ये राइटर की अपनी ज़िंदगी है। एंड ऑफ टर्म ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे इस तरह से है। फिर राइटर क्या कर रहा है, रिवाइज द मेमोरी ऑफ स्कूल लाइफ। ये एक तरह का क्रिटिसिज्म भी है। अगर वो स्कूल लाइफ की मेमोरी को रिवाइज कर रहा है तो वो क्रिटिसिज्म भी कर रहा है कि किस तरह से एक स्टूडेंट को बोरिंग और हेक्टिक रूटीन लाइफ की तरफ धकेल दिया जाता है और उसमें कुछ भी नया नहीं होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करते हैं, वो उससे दूर भागते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो ये कह रहा है कि आई एम नॉट हैविंग गुड व्यूज़ अबाउट स्कूल लाइफ। राइटर ये भी कह रहा है कि स्कूल लाइफ के बारे में मेरे व्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। वो इसी वजह से अच्छे नहीं है कि कहीं पर भी रिलैक्सिंग टाइम नहीं दिया गया स्टूडेंट्स को कि वो अच्छा वक्त गुजार सकें। बस इतना ही जितना उनको गर्मियों की छुट्टियां मिल जाती थीं या कोई अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां, हॉलीडेज़ वगैरह उनको मिलती थी, उसमें जो है वो बच्चे रिलैक्स करते थे, उसमें इंजॉय करते थे, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद जो है वो राइटर बता रहा है इसी ऐसे में कि हमारे टीचर थे, उन्होंने किताब लिखी और वो इसको एक, इस किताब के नाम को एक फ्रेज़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है, फ्राइडे थैंक गॉड। ये किताब का नाम था और इसी को वो एक फ्रेज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है कि शुक्र है जुमा आया। यानी जुमे को वो फ्राइडे थैंक गॉड किस लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो दो कंटिन्यूस हॉलीडेज़ बच्चों को मिलती थी, हफ्ते की और इतवार की, और वो फुल फ्लैश हॉलीडेज़ थी जिसमें बच्चे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इंजॉयमेंट भी कर सकते थे, जहाँ चाहते थे वो जा सकते थे, घूम फिर सकते थे। तो फ्रेज़ का वर्ड भी वो इसी ऐसे में यूज़ करें। तो फ्रेज़ क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स फंक्शनिंग अ मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ सेंटेंस। यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो इकट्ठे मिलकर काम करें और लेकिन मीनिंगफुल हों, एक पूरे जुमले में वो मीनिंगफुल वर्ड्स हों, वो फ्रेज़ कहलाते हैं। अ फ्राइडे थैंक गॉड फ्रेज़ है तो वो बहुत एक कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। थोड़ा सा टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में, वेरी फर्स्ट लाइन में वो यही कह रहा है, आई बिलीव अ स्कूल टीचर रॉट अ बुक सम ईयर्स गो विद टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड। दैट फ्रेज एक्सप्रेसेस परफेक्टली माई एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड ड्यूरिंग टर्म टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय। टर्म से मुराद वो यही है कि एक स्कूल टर्म, पूरा एक साल जो है, उस एक पूरे साल में राइटर कह रहा है कि ये फ्रेज़ फ्राइडे थैंक गॉड मेरे एक्सप्रेशंस को, मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है, बिल्कुल एप्टली, बिल्कुल परफेक्टली जो है वो एक्सप्रेस कर रही है। कैसे कि मैं भी यही सोचता था कि जब फ्राइडे आता था तो मैं शुक्र अदा करता था कि फ्राइडे आ गया। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, इट्स फेरस कंपटीशन, द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स प्रेस्ड हैवीली अपॉन मी इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट दैट आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क। अब वो ये नॉट हैविंग गुड व्यूज़ अबाउट स्कूल लाइफ के बारे में बात कर रहा है कि स्कूल लाइफ का काम मेरे लिए कभी भी बोझ नहीं था, मैं कभी भी स्कूल क्लासरूम से दूर नहीं भागा था, मेरे अंदर वो वाली चीज़ ही नहीं थी कि मैं क्लासरूम से दूर भागूँ, मुझे काम बुरा लगे। लेकिन वो जो बोरिंग और हेक्टिक रूटीन थी वो जो है वो एक सर पर सवार हो जाती थी और उससे जो है वो एक फिरस कंपटीशन होता था, खौफनाक किस्म का,
कि अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे, और उसी कंपटीशन की वजह से हम जो है वो सेंस ऑफ कंपटीशन की वजह से हम जो है वो अक्सर बोरियत महसूस करने लगते थे। ये जो है वो ये बता रहा है कि सुबह स्कूल जाने के लिए उठना कितना मुश्किल काम होता था। फ्राइडे थैंक गॉड के बारे में तो उसने बता दिया कि फ्राइडे थैंक गॉड फ्रेज उसने क्यों इस्तेमाल की। फिर उसने ये भी बता दिया कि क्लासरूम टास्क जो है वो उसे बहुत मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन जो मुश्किल काम उसको लगता था वो ये था कि सुबह उठना। उसके लिए वो ये बता रहा है कि हम तीन बहन भाई थे, लाइनल, डेविड एंड सिल्विया। डेविड उसका अपना नाम है तो वो वहाँ पर अपने लिए मी का वर्ड यूज़ कर रहा है। लाइनल जो है, लाइनल, डेविड और सिल्विया तीनों बहन भाई थे, और इनके लिए एक मेड रखी गई थी जिसका काम था इनको सुबह उठाना, इनको स्कूल भेजना, उनके इन बच्चों के काम वगैरह करना। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि सुबह उठना सबसे मुश्किल काम था। उसके बाद मेड के हॉरिबल समन्स, बुलावा। वो कह रहे हैं कि जब वो एटिक स्टेयर्स पर, एटिक फ्लोर पर जो है वो अपने भारी भरकम कदम रखती थी तो वो यूँ लगता था कि जैसे कोई हमें जो है वो अपनी तरफ जो है वो कोई बहुत बड़ी जंग जदल चलने लगी है और बहुत बुरे हालात हैं। वो समन्स जो है वो डैमिनेशन की तरफ हमें लेके जाते कि तबाही आने वाली है। समन्स टू डैमिनेशन के लिए का वर्ड वो यूज़ कर रहा है इसमें कि कोई ऐसी बात होने वाली है कि बुलावा आया है कि आपको सजा दी जाएगी, अब आप आ जाओ। ये सारा कुछ जो है वो बता रहा है कि मेड के समन्स जो हैं वो बहुत बुरे होते थे कि वो हमें उठाती थी और हमें बुलाती थी, और हम जो हैं वो उठना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था कि हमें ये फ्यूनरल टोन्स महसूस हो रही होती थी। फर्स्ट पैराग्राफ में, एट्थ लाइन में वो बता रहा है, वी हैड अ मेड वंस हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग विद ग्रिम स्टेप्स, भारी भरकम कदमों के साथ वो आती, अप टू द एटिक फ्लोर वेयर लाइनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम एंड माई सिस्टर सिल्विया इन एन अदर। आई जो है वो डेविड डिचेस ने अपने लिए इस्तेमाल किया फर्स्ट पर्सन के तौर पर। एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन्स, फ्यूनरल का मतलब होता है ऐसी डिसमल और ग्लूमी टोन्स जिसको इंसान सुनना ना चाह रहा हो। लाइनल, डेविड, सिल्विया, टाइम का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि वक्त हो गया है स्कूल जाने का, उठ जाएं अब आप। आई यूज टू लाई वेटिंग फॉर दैट ओमिनियस ट्रीट ऑन द अनकार्पेटेड एटिक स्टेयर्स एंड द वॉइस इट हेराल्डेड साउंडेड इन माई ईयर्स लाइक अ समन्स टू डैमनेशन। हेराल्डेड का मतलब होता है इंडिकेशन आना, सिग्नल्स आना, और ओमिनियस ट्रीट का मतलब होता है थ्रेटनिंग, कि मैं, डेविड डिचेस कह रहा है कि मैं इंतज़ार कर रहा होता था हर सुबह इन्हीं थ्रेटनिंग वॉइसेस के लिए, कॉल ओवर्स के लिए कि ये आएंगे तो उसके बाद ही हम बिस्तर में से निकलेंगे और तैयार होंगे, जैसा कि अमूमन हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं। फिर राइटर जो है वो ये बता रहे कि प्रेशर ऑफ स्कूल वर्क बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि वो एक अनइजीनेस एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट कर रहा था। हमें स्कूल जाना बहुत मुश्किल लग रहा होता था, लेकिन ये प्रेशर ऑफ स्कूल वर्क के साथ क्या हुआ, ये फौरी तौर पर ख़त्म हो गया जैसे ही हमने स्कूल छोड़ा। यानी स्कूल टाइम से बाहर निकले, स्कूल फेज से बाहर निकले, कॉलेज यूनिवर्सिटी फेज में गए, तो वहाँ पर जो है उनको एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट मिला, जिसकी वजह से जो है वो ये प्रेशर जो है वो ख़त्म हो गया था। फिर वो आगे बता रहे हैं, दैट एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स देन रियलिटी। ये लाइन इस राइटर यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि ख्वाब हमेशा रियलिटी से बुरे होते हैं, हकीकत से बुरे होते हैं। हम ख्वाब देखते हैं, कुछ और देखते हैं, और रियलिटी उसके बरक्स होती है। तो एंटिसिपेशन हमेशा जो है वो एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बरखिलाफ होती हैं रियलिटी के। फिर वो आगे मज़ीद बता रहा है कि आई डोंट रिमेंबर एवर बींग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, बट द ओप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डे स्कूल अहेड रिमेंड अ करेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माई चाइल्डहुड। कि स्कूल का काम जहन में आते हैं कि जो स्कूल में काम दिया जाएगा वही एक बहुत बड़ी जो थी वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती थी, उसके बारे में सोचना ही बहुत अजीब लगता था। एंड डिसअपीयर्ड ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल एंड एंटर्ड द यूनिवर्सिटी। अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर ऑफ स्कूल जो है वो ख़त्म हो गया जैसे ही उन्होंने स्कूल छोड़ा और यूनिवर्सिटी में
कदम रखा। वेयर द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड, जहाँ पर आपने थोड़ी क्लासेस अटेंड करनी थी, एंड द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट टू कम एंड गो मेंट अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडेमिक वर्ल्ड। और जहाँ पर स्टूडेंट्स को इस बात की इजाज़त दी जाती थी कि वो जब चाहें आए जब चाहें जाएं, एक बिल्कुल नई दुनिया जो है वो उनके सामने खोलकर खड़ी थी, उनका वेलकम करने के लिए मौजूद थी। बेटर मज़ीद आगे बढ़ रहा है, स्कूल लाइफ की बात करते हुए वो ये बता रहा है कि सुबह उठना बहुत मुश्किल था, लेकिन वेट भी करता था। वो किस चीज़ का वेट करता था? स्कूल लाइफ में वेट कर रहा था। वो किस चीज़ का कर रहा था? ही वॉज वेटिंग फॉर वीकेंड्स। सबसे पहले वो वीकेंड की बात करें कि नॉर्मली हर वीक में वीकेंड ही होता है स्टूडेंट के लिए, जो फ्लावरी उनके लिए लग रहा होता है, फ्लावरी मॉर्निंग्स के साथ होता है। तो राइटर ये बता रहा है कि फ्राइडे जो है वो हाफ डे होता था, उसके वो जो है वो बड़ा खुशकुन दिन होता था कि सुबह उठना उस दिन बहुत अच्छा लग रहा होता था कि इसके आगे फुल फ्लेज दो मुकम्मल हॉलीडेज़ मौजूद हैं और वो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उनको इंजॉय कर सकता है। उसके बाद उसमें वो ये था कि वीकेंड्स को वो बता रहे शॉर्ट पॉजेज बिटवीन हेक्टिक स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ के जो हेक्टिक रूटीन थी उनके अंदर ये वीकेंड शॉर्ट पॉजेज थे कि थोड़े थोड़े वक्फे के लिए वो रुकते थे, अपने आप को रिलैक्स करते थे, इंजॉय करते थे और फिर नए वीकेंड पर नया काम शुरू हो जाता था। उसके बाद वो वेट कर रहा होता था हॉलीडेज़ का। हॉलीडेज़ किस किस्म की थी? मुख्तलिफ किस्म की थी। कोई स्पेशल इवेंट हो गया जिसकी बिना पर जो है वो उनको छुट्टी दे दी गई, या फिर कोई मैच का इनकार करना है, मैच हो रहा होता था जिसकी वजह से उन्हें हाफ हॉलीडे दे दी जाती थी। इनके बारे में राइटर कह रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स थे। ऐसी चीज़ें रेस्पाइट्स का मतलब होता है सडन और अनफॉरसीन, जो ना देखी गई हो, जिनके बारे में पता ना हो, ऐसी छुट्टियाँ। रेस्पाइट्स का मतलब होता है हॉलीडेज, छुट्टियाँ। तो ये अनसीन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज थी, ये राइटर को बहुत ज़्यादा खुशी देती थी। नॉट इवन राइटर, वो तमाम स्कूल के बच्चों के बारे में भी बात कर रहा है। उसके बाद वो आगे आ रहा है, मज़ीद जो उसने वो छुट्टियों के बारे में बात कर रहा है, वो क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियों के बारे में बात कर रहा है कि क्रिसमस और ईस्टर पर शुरू शुरू में उनको 3 वीक्स की छुट्टियाँ दी जाती थी। ये एक लॉन्ग पीरियड था जिसमें जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनको कम करके फॉर्टनाइटली यानी 14 दिन पर ले गए, और बाद में जो है वो राइटर कह रहे हैं सिर्फ 10 दिन पर मुहित ये छुट्टियाँ रह गई। लेकिन 10 दिन भी राइटर के लिए या स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए 10 छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा और बड़ी नेमत होती थी। उसके बाद वो ब्लेस्ड ब्रेक्स के बारे में बात भी कर रहा है कि ब्लेस्ड ब्रेक्स क्या थी। वो राइटर बता रहे हैं कि जब एनुअल या मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते थे, टर्म का जो है वो आखिर या मिड में एग्ज़ाम्स होते थे, तो उनके साथ इनको एक लॉन्ग वीकेंड दिया जाता था, यानी उसमें जो है वो उनको मंडे की भी छुट्टी दे दी जाती थी। ये छुट्टी उनके लिए को किसी नेमत से कम नहीं थी, इसलिए वो उसको ब्लेस्ड ब्रेक कह रहा है कि सैटरडे संडे और मंडे ये 3 दिन उनके लिए बहुत खूबसूरत दिन होते थे, और उसके बाद इनका वीकेंड वीक जो है वो प्रॉपरली शुरू होता था। फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो 18th लाइन है, फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज कलर्ड। वो फ्राइडे मॉर्निंग के लिए रोज कलर्ड का वर्ड जो है वो यूज़ कर रहा है। द लास्ट पीरियड ऑन अ फ्राइडे वट एवर द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होता था, हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक। के फ्राइडे को लास्ट पीरियड जिस भी सब्जेक्ट का होता था वो उसे याद नहीं है, लेकिन वो लास्ट पीरियड एक बहुत खुशकुन जायका अपने अंदर लेकर आता था। एंड वन वॉक होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून विद द ट्रेड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर। ट्रेड का मतलब होता है चाल, यानी एक ऐसा कैदी जिसको आज़ाद कर दिया गया हो। जब हम स्कूल से निकलते थे जुमे वाले दिन घर जाने के लिए, तो यूँ लगता था जैसे हम आज़ाद हुए कैदी हैं और बड़ी आज़ादी के साथ, बड़े खुशी के साथ जो है वो हम घर की तरफ जा रहे हैं। फ्राइडे नाइट विथ 2 सॉलिड डेज बिफोर स्कूल अगेन वॉज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। फिर फ्राइडे नाइट जो थी वो बेस्ट नाइट थी वीक की, क्योंकि उसके बाद भी पता था कि अभी हमारे पास 2 सॉलिड डेज मौजूद हैं। सैटरडे नाइट विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड मंडे। सैटरडे नाइट भी बड़ी खूबसूरत गुजरती थी, क्योंकि इसके दरमियान और मंडे मॉर्निंग के दरमियान भी अभी एक दिन पूरे का पूरा मौजूद था।
was pleasant in a quite different way. Sunday night was full of the threat of Monday morning. लेकिन Sunday night जो थी वो threat से भरी हुई थी, वो खौफ से भरी हुई थी कि अगले दिन फिर से वही school का boring routine work शुरू हो जाएगा. Sometimes there were unexpected respites, unforeseen holidays. A half holiday to let us attend a football match with some unforeseen circumstances had caused to be cancelled the preceding Saturday. Or the sudden dismissal of school an hour or two before the usual time, या फिर छुट्टी के टाइम से एक या दो घंटे पहले छुट्टी मिल जानी, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता था कि किसी क्राइसिस की वजह से. बट दीज वर फ्यू एंड फॉर बिटवीन, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स कम ओ बेश. फ्यू एंड फॉर बिटवीन idiom है जिसका मतलब है स्केयर्सली, रेयरली, कभी कभार. वंस अ टर्म वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे अ मंडे ऑफ. हमें जो है वो एनुअली सालाना तौर पर एक मिड टर्म हॉलीडे मिला करती थी मंडे ऑफ की, विच मेड अ लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड, और ये बड़ा लॉन्ग वीकेंड बना देता था, खूबसूरत वीकेंड बना देता था. फिर वो ब्लेस्ड ब्रेक्स के बारे में बात करें कि ये जो स्केटिंग हॉलीडेज वगैरह भी मिलती थी हमें के विंटर सीज़न में, स्केटिंग के ब्लेस्ड ब्रेक्स में, वो एनुअल मिड टर्म के बारे में बात कर रहा है. आगे जो है वो हम मज़ीद बात करें स्केटिंग हॉलीडेज वो किस सूरत में होती थी, क्या होता था, क्यों दी जाती थी, उसके बारे में भी हम मज़ीद आगे बात करने जा रहे हैं. अभी हम उस ब्लेस्ड ब्रेक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो विंटर सीज़न में भी वो राइटर कह रहे हैं कि ब्लेस्ड ब्रेक्स कभी कभी मिल जाती थी. जिस दिन बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी उस दिन जो है वो हमें स्कूल से स्केटिंग, फुल डे स्कूल से हमें स्केटिंग हॉलीडे मिलता था, जिसमें ये होता था कि हम इंजॉय कर सकते थे उस बर्फ़बारी में जाकर और उसको जो है वो स्नोफॉल को, सारे मौसम को इंजॉय कर सकते थे. ये भी एक बड़ा खूबसूरत जो है वो एक्सपीरियंस था, राइटर कह रहा है हमारे लिए, कि हम जो है वो इस तरह की छुट्टियों से गुजरते थे और इस तरह की छुट्टियाँ हमें कभी कभार मिलती थी. स्टूडेंट्स जो हैं वो अमूमन दुआएं करते हैं कि इस तरह की छुट्टियां जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स उनको मिलती रहें, ताकि जो है वो उनको स्कूल का हेक्टिक रूटीन वर्क जो है वो उससे भी छुट्टी मिल जाए, उसे भी वो रिलैक्स हो जाएं. आगे जो है वो मज़ीद बात करें कि मोस्ट वेलकमिंग छुट्टियाँ भी आती थी. डेविड डिचेस कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिनको हम वार्म वेलकम देते थे वो समर हॉलीडेज थी. यानी समर हॉलीडेज़ हमें पता है कि 3 महीने की मुकम्मल फुल फ्लेज छुट्टियां होती थी, जिसमें जो है वो बच्चे जो हैं वो उनको स्कूल का कोई काम नहीं, वो इंजॉय कर सकते थे, खेल सकते थे, और जो है वो सारे का सारा लॉन्ग टर्म जो है वो अपने मर्ज़ी के साथ गुजार सकते थे, कि उन्हें सुबह उठने की पाबंदी नहीं थी, रात को सोने की पाबंदी नहीं थी, सारा कुछ है वो उस पाबंदी से आज़ाद थे. और उन समर हॉलीडेज़ को वो सॉलिड 3 मंथ्स हॉलीडे कह रहे हैं, कि वो इतनी मज़े की छुट्टियां होती थी कि हर दिन जो है वो एक जो है वो अपने ही अंदर खुशकुन मिजाज और खुशकुन फ्लेवर लेकर आता था. कह रहे हैं कि उन समर हॉलीडेज़ में इनका काम क्या होता था, वो कह रहे हैं कि मैं प्लेइंग इन मीडोज़, हम चिरागाहों में घूमते फिरते थे, निकल जाना ग्रे, अपनी ड्रेसिंग भी बता रहा है कि ग्रे स्कर्ट और ग्रे शॉर्ट्स पहनकर मैं निकल जाया करता था मीडोज़ में, घूमा फिरा करता था, और सारे सारे दिन जो है वो इस चीज़ को इंजॉय करते थे, हम नेचर को इंजॉय करते थे. फिर आगे जो है वो मज़ीद बात कर रहे हैं कि विशेज के बारे में, कि इन सारी चीज़ों के होते हुए भी विशेज़ जो हैं वो ज़िंदगी में हकीकत का रूप नहीं धार सकती. विशेज डिडेंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, राइटर का ये कहना है कि इस ज़िंदगी में हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, वो किस एक्सपीरियंस के बुनियाद पर वो कह रहा है, वो कह रहा है कि जब मैं छोटा था तो मुझे ट्राईसाइकिल की ख्वाहिश थी कि मुझे ट्राईसाइकिल मिले, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका. फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये ट्राईसाइकिल जो है वो बाईसाइकिल की ये ख्वाहिश जो है वो ट्राईसाइकिल से बाईसाइकिल में तब्दील हो गई. अब बाईसाइकिल की ख्वाहिश भी पूरी हुई जब वो 21 साल का था और उसे एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिला, तो उसने उस स्कॉलरशिप से बाईसाइकिल ली और ये ख्वाहिश उसकी 21 साल की उम्र में पूरी हुई. तीसरी विश वो बता रहा है आइसक्रीम की, कि हम जो है वो आइसक्रीम फरोख के बाहर जो है वो वहाँ खड़े हो जाते थे हजूम के बाहर, के शायद, और इस तरह से देखना उस आइसक्रीम बेचने वाले को कि शायद कहीं वो हम पर तर्स खाकर हमें कॉर्नेट या स्लाइडर जो है वो हमें ऐसे ही दे दे विदाउट एनी मनी
कि वो जो है वो उनको दे दे और उन पर तर्स खा कर। अब पॉकेट मनी के बारे में भी बात करें, अब ऐसा तो नहीं कि बच्चों को पॉकेट मनी नहीं दी जा रही, फिर वो पॉकेट मनी के बारे में बात करें कि हमें जो पॉकेट मनी मिलती थी वो हमें सेविंग बॉक्स में डालना होती थी, कि हमें वो सेव करना होती थी कि कभी आइंदा वक्त में जब हमें ज़रूरत पड़ सके ज़्यादा पैसों की कहीं पर जो है वो मुश्किल अवकात में, तो हम उन पैसों से कुछ हासिल कर सकें, कुछ ले सकें, उस अपने उस मुश्किल को दूर कर सकें। तो चाइल्डहुड तीनों का, डेविड का, लॉयनर और सिल्विया का, इस पॉकेट मनी को सेव करते हुए और इन तमाम चीज़ों के लिए विशेज करते हुए ही गुजर गया। फिर एट द एंड वो कह रहा है कि ये दुनिया जो है वो लाफानी है, हर चीज़ ख़त्म हो जानी है, तो ये टर्म भी ख़त्म हुआ है। अब स्टूडेंट्स क्या करते थे, स्टूडेंट्स फिर एट द एंड वो कह रहे हैं कि मैंने खुद को अपने लगेज के साथ, अपने सामान के साथ जो है वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद पाया, जहाँ पर मैं जो हूँ वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर वापस जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ कि मैं वहाँ चला जाऊँगा और ये टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी ज़िंदगी का हर फेज़ होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, हर ये तीनों फेज़ हैं वो बारी बारी ख़त्म हो जाते हैं और हर फेज़ जो है वो अपने अंदर कुछ नई तजर्बात, कुछ नए एक्सपीरियंसेस जो है वो लेकर आता है। थोड़ा सा टेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि टेक्स्ट में इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। पेज नंबर 14, वेरी फर्स्ट वर्ड दी, इसको जो है वो कॉमाज में लिया गया है। दी का वर्ड किस लिए यूज़ किया उसने, दी हॉलीडेज वर द समर हॉलीडेज़, ये दी जो है वो उसने समर के लिए इस्तेमाल किया है कि समर हॉलीडेज़ को वो कितना प्रोमिनेंट करना चाह रहा है कि समर हॉलीडेज़ ही तो एक्चुअल में वो हॉलीडेज़ थी जिनको इन्जॉय किया जाता था। द वेकेशंस वी गॉट इन द समर टाइम एंड इट वॉज दीज मंथ्स टूवर्ड विच द होल ईयर मूव्ड, और इन्हीं मंथ्स के पीछे पूरे का पूरा साल जो है वो गुजर जाता था। जैसे ही साल शुरू होना हम नेक्स्ट समर हॉलीडेज़ का इंतज़ार करना शुरू करते थे कि नेक्स्ट समर हॉलीडेज़ आएंगे तो उसमें ये सारे इंजॉयमेंट होंगे। फिर वो नेक्स्ट आगे कह रहे हैं कि जब यही बता रहा है कि वो जो है वो वेयरिंग माई स्कूल समर स्कूल क्लॉथ्स ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट एंड ग्रे शॉर्ट्स, ये ग्रे क्रिकेट स्कर्ट और ग्रे शॉर्ट्स जो हैं वो उसके समर स्कूल यूनिफॉर्म थे। गर्मियों के दिनों में जो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है वो पहनकर जो है वो उन चरागाहों में घूमा फिरा करता था। कॉन्शियस परमानेंट फेलिसिटी का मतलब होता है लास्टिंग हैप्पीनेस, जो हमेशा ख़त्म होने वाली ना हो, हमेशा रहने वाली हो। ये समर हॉलीडेज के बारे में बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि आई कुड हार्डली बिलीव दैट थ्री स्ट्रेनस स्कूल टर्म्स हैड इनडीड रोल्ड अवे एंड द लॉन्ग फॉर ड्रीम्ड ऑफ ऑलमोस्ट मिथिकल समर हॉलीडेज वर एट हैंड। जब ये समर हॉलीडेज आ जाती थी तो मुझे यकीन ही नहीं आता था। स्ट्रेनस स्कूल टर्म्स का मतलब होता है एक्टिव, डिलीजेंट, सरगर्म, जो जिसमें मुसलसल काम करने को मिलता है, वो स्कूल टर्म्स ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद जो है वो एक जो है वो सॉलिड हमें समर हॉलीडेज मिल रहे हैं। अनस्पॉइल्ड एज येट, अनस्पॉइल्ड का मतलब है जिनको इस्तेमाल नहीं किया गया, अनयूज्ड, जिनको भी यूटिलाइज ना किया गया हो। लाइंग इंटैक्ट एंड प्रॉमिसिंग जस्ट अहेड, जो हमारे सामने पड़े हैं, हमें नज़र आ रहे हैं और हम जो हैं वो उसको इंजॉय करने वाले हैं। विशेज डिडंट कम टू इन दिस लाइफ, आई न्यू दैट ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड आई लॉन्ग डेस्परेटली फॉर अ ट्राईसाइकल विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड, मेरे पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे इसलिए मुझे वो ट्राईसाइकल मिला नहीं। एंड लेटर द विश वॉज ट्रांसफर टू अ बाईसाइकल एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड। फिर वो आगे बता रहा है कि मैंने अपनी फर्स्ट बाइसिकल जो है वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से जो मुझे मिला, प्राइज मिला, स्कॉलरशिप मिला, उससे मैंने ली। हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वेप्ट शॉप्स विथ एम्प्टी पॉकेट्स लॉन्गिंग फॉर अ पेनी और टू टू मटीरियलाइज सम हाउ और हंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ क्राउड। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ क्राउड, हजूम की बाउंड्री के बाहर में खड़ा रहता। Around an ice cream burrow, wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider, free of cost. कि मैं वहाँ पर हजूम के बाहर खड़ा रहता तो यही सोचता था कि आइसक्रीम बरो वाला आदमी मुझ पर जो है वो तर्स खाएगा और मुझे कॉर्नेट या स्लाइडर फ्री में दे देगा। These things never happened, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो इन्हीं बुनियादों पर कह रहा है wishes didn't come true in this life, कि ज़िंदगी में सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती।
फिर आखिर पर वो कह रहे हैं कि समर हॉलीडेज़ के बाद फिर हमारा टर्म ख़त्म होता था, येट समर एंड द समर डिड कम द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स एंड सूटकेस आउटसाइड नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस वेटिंग फॉर द टैक्सी दैट वाज टू कन्वे द फैमिली एंड इट्स लगेज टू द रेलवे स्टेशन। कि हम जो हैं वो टैक्सी स्टैंड पर खड़े होते थे अपने लगेज के साथ कि हम जो हैं वो स्टेशन पर जाएंगे, वो टैक्सी हमें रेलवे स्टेशन तक ले जाएगी और वहाँ से हम जाकर अपनी फैमिली को ज्वाइन करेंगे। यानी एट द एंड हर चीज़ ख़त्म हो जाती है और हमें जो है वो आगे उसके खात्मे पर नेक्स्ट के लिए मूव करना पड़ता है। आज के इस लेसन में हमने यही पढ़ा कि डेविड एजेस ने अपनी स्कूल लाइफ को किस तरह से हमारे साथ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, कि वो कितनी हेक्टिक रूटीन लाइफ थे लेकिन फिर भी वो ये भी साथ साथ बता रहा है कि मैं भागा नहीं उस रूटीन से मैं भागने वाला बच्चा नहीं था कि मैं अपनी स्टडी से या अपनी एजुकेशन से भाग जाता, मुझे वो चीज़ कभी भी बुरी नहीं लगी थी, लेकिन जो रूटीन था वो बहुत बोरिंग था, रूटीन बहुत बोरिंग थी और जो है वो चीज़ जो है वो बुरी लगती थी, जिसकी वजह से स्कूल लाइफ के बारे में डेविड एचिस के व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।